अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुको आप लोग, अभी अंदर नहीं जा सकते आप लोग। रही बात शादी ब्याह की, तो मजी वो तो हो ही जाएगी ना, पर पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो जिंदगी में किसी भी स्थिति का सामना कर लेगी। फिर शादी का फैसला हम बाद में करेंगे। हम सब जानते हैं तुम अपनी बात मनवाने के लिए एक कलेजा फाड़ने वाली बात कह रही हो, पर हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। नहीं अम्मा जी, हम आपको अपनी बात मनवाना नहीं बताना चाहते हैं। अम्मा जी, अब जमाना बदल गया है। अब वो जमाना नहीं जब माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चों का रिश्ता तय करते हैं। अब तो बच्चे समझदार हो गए हैं, वो अपना फैसला खुद लेते हैं। और भगवान ना करे कल को हमारे बताए रिश्ते में कोई खोट निकल आए तो सालू तो हमसे जिंदगी भर सवाल पूछेगी ना। अम्मा जी, हम चाहे कुछ भी कर ले, अपने बच्चों को उनके हिस्से की तकलीफ से बचा तो नहीं सकते, लेकिन जिंदगी से लड़ने के लिए शिक्षा तो दे सकते हैं। हम आपके लिए चाय लाते हैं। रुको, तुम्हारा काम पे जाने का वक्त हो गया है। सिलाई कढ़ाई सीखने वाली लड़कियां तुम्हारी राह देख रही होंगी, वहां जाना ज्यादा जरूरी है। तुम अपना काम पे जाओ, हम मुस्कान से चाय बनवा लेंगे। मुस्कान, अरे अपनी दादी को चाय नहीं पिलाओगी का? भैया जी, हम गए थे रंजू भाऊजी के पास, बताया उनको कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन वो भाऊजी ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। पर अम्मा बहुत खुश थी शादी की बात सुनकर। लेकिन भैया जी, वो भाऊजी ने अड़ंगा लगा दिया। पहले वो उन्हें पढ़ाएगी लिखाएगी, फिर शादी के बारे में सोचेगी। अपनी बेटी, लेकिन उसकी बेटियां तो हमारे खर्चे पर पलती हैं, और उनकी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार हमारे पास है, और हमने फैसला कर लिया है। यार कुछ भी कहो, आज उस इना प्रोफेसर का मुंह है ना, देखने लायक था। और जब साला कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कहने लगा? I will complain against you। और उसके बाद जब तूने पापा का नाम लिया तो कैसे हवा टाइट हो गई थी यार। चल चल यार, पोजर की भूख लगी है। I will complain about you। Hey!
मॉम मॉम कहा हो आप? एक मजेदार किस्सा सुनाना है मॉम। मॉम मॉम बाहर आइए। मॉम पता नहीं कहाँ चली। मॉम वेयर आर यू? मॉम जल्दी बाहर आइए। यार मॉम कहाँ है यार? मॉम इसमें से कौन सा नेल पेंट पसंद है आपको? हमसे क्या पूछ रही हो? खुद ही पढ़ के देख लो क्या ट्रेंड चल रहा है। सारी बड़ी बड़ी हीरोइंस मैचिंग नेल पेंट लगाती है और सारी हाई क्लास लेडीज यही ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो हम क्यों नहीं करें? चलो हमारे ड्रेस का मैचिंग नेल पेंट निकालें। ओके भाभी जी। क्या कहा तुमने? भाभी हम तुम्हें भाभी दिखाई देते हैं। मैडम बुलाना मैडम, समझ में आया? सॉरी मैडम। चलो हमारे मैचिंग ड्रेस का नेल पेंट ढूंढो, जल्दी से नेल पेंट मैच करो। मैम आपने कौन सी साड़ी फाइनल की है कल पार्टी के लिए? ओरे बाबा मेरी तो साड़ी फाइनल नहीं है, ये सब पसंद हो करीना, सबके सब काम चोरे। बुनिया मैडम जी साड़ी के ऑप्शंस यहाँ हैं। बुनिया एक काम करने के लिए तुम्हें कितना वक्त लगता है? और तुम क्यों साड़ी लेकर आई? डिजाइनर कहाँ है? मैम मैं हूँ ड्रेस डिजाइनर के यहाँ से। ये वक्त है आने का? पार्टी कल है, एक महीने बाद नहीं। मैम वो एम्ब्रॉयडरी पर थोड़ा सा वर्क रह गया था। चुप, फालतू के बहाने मत बनाओ, सबके सब काम चोर हो यहाँ पे। प्लीज मैम एक बार देख लीजिए ना ऑप्शन, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं। चुप, और क्या कहते हैं, यू आर फायर्ड, जाओ यहाँ से। और तुम दोनों क्या कर रही हो? मुजरा देखने आई हो? चलो काम करो। मॉम मेरे किस्सा सुनाने के लिए ना मुझे बेचैनी सी हो रही है। मॉम मॉम जल्दी बाहर आइए। मॉम आ गए मेरे करण अर्जुन। मैम प्लीज एक बार ऑप्शन देख लीजिए। मैम प्लीज अरे रुको, देखते नहीं मैडम जी के करण अर्जुन आए हैं, दूर रहो। मॉम आज पता है कॉलेज में? वो सब छोड़ो, पहले बताओ हम कैसे लग रहे हैं? And don't miss my new hairstyle. Mom, you're looking beautiful. सच बताएं, आज आप है ना बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही है। वो भी 10 साल पहले की ऐश्वर्या राय। सोती बोलती। क्या बात है मॉम, आज आपकी मेकअप टीम में न ज्यादा लोग, घर पे पार्टी वार्टी है का? हाँ पार्टी है लेकिन आज नहीं है, कल है, लेकिन प्रिपरेशन तो आज ही करनी पड़ेगी। जरूर करना पड़ेगा। आखिर आप हमारी मॉम है, मुजफ्फरपुर से मुंबई तक कोई टक्कर नहीं है आपकी। मॉम बहुत खूबसूरत लग रही है ना? आप जब इसे पहनेंगी ना इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। सत्ती सत्ती। चलो कल हम यही पहनेंगे, इसे रेडी कर दो। गुड्डू मिश्रा जी हैं क्या घर पे? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मिश्रा जी घर पर नहीं है, हमें ललिता मिश्रा उनकी मिसेस, हमसे बताइए क्या बात है? उपकार ना मैडम जी कि प्रोफेसर सिन्हा ने आपके दोनों अनमोल रत्न लक्की और विक्की के खिलाफ कंप्लेन किया है
कि इन दोनों ने मिलकर इनके सुपुत्र विशाल की कुटाई, हमारा मतलब है कि पिटाई किया है, और इनके साथ भी बदतमीजी की है। देखिए, आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ने नहीं, गुंडागर्दी करने आते हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं, सारा कॉलेज इनसे परेशान है। एक नंबर के बदमाश दोनों। तमीज से बात कीजिए, हमारे बेटे बहुत शरीफ है, लुक एट देयर फेसेस। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो जरूर कोई वजह होगी। वजह हम बताते हैं ललिता जी। प्रोफेसर साहब तो इन लड़कों के खिलाफ FIR करने का फुल मूड बना चुके थे। बाकी हमने ही कहा स्टूडेंट का मामला है, तो एक बार फैमिली से बात कर ले, तो हम चले आए बस आपके पास। बात करो। हो तो गई बकवास, जाओ यहाँ से। और आप इतनी छोटी सी बात के लिए मुंह उठाकर हमारी कोठी चले आए। अगर इन लोगों ने अपने बाइक का हजाना मांगा तो बुरा क्या किया? हम तो कहते हैं कि इनको उसकी साइकिल ही तोड़ देनी चाहिए थी। मॉम, हमने तो इनकी साइकिल को हाथ तक नहीं लगाया, बस बाइक रिपेयर के पैसे लिए थे। यही तो गलती की। अगर इसकी साइकिल तोड़ देते ना, तो इसकी हिम्मत भी टूट जाती। मैडम जी, आपको अंदाजा भी है कि आप पुलिस के सामने क्या बोल रही हैं? क्या कर लेंगे आप? हाँ, हमें अंदाजा है हम क्या बोल रहे हैं। आपको अंदाजा भी है कि आप किससे बात कर रहे हैं? क्या बात है भाई? ये क्या हो रहा है? अरे नजमा, कल एक इंच और बढ़वाया था ना? हाँ। अरे जीजी, आपको पता है वो देखिए कौन आया है, अपनी विद्या। नमस्ते जीजी। जैसे ही उसे पता चला कि हमें 2 दिन में वर्मा जी का ऑर्डर पूरा करना है, देखिए ऐसी हालत में भी हमारी मदद करने के लिए आई है। विद्या, तुम तो पेट से हो ना, फिर काहे आई हो? तुम्हें आराम की जरूरत है ना? जीजी, घर पे तो इस हालत में यहाँ से भी ज्यादा काम करते हैं। कभी सास का फरमाइश पूरा करते हैं, तो कभी पति की फरमाइश, और यहाँ का काम तो फिर भी आसान है। और अगर यहाँ काम करेंगे तो थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे। पेट से है तो क्या हुआ, पेट भरना भी तो पड़ता है ना। ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन ओवर टाइम नहीं करोगी, समझी? और ये सब तुम्हारी देखभाल करेंगी। हाँ, हमें 2 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा काम खत्म करना है। काम खत्म होगा तो कुछ पैसे आएंगे और आगे के ऑर्डर का एडवांस भी मिलेगा, और अगर सब ठीक गया तो हम सबका महीना अच्छा जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी काम शुरू करो। वो कढ़ाई बुनाई सीखने वाली लड़कियां आ गई हैं? हाँ जी जी, वो आपका ही इंतजार कर रही हैं। नमस्ते। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने जो जो डिजाइन दिए थे सबने किए हैं ना? की दीदी। तो चलो शुरुआत करते हैं। बाबा गरीबनाथ की जय। बाबा गरीबनाथ की जय। पी लो बेटा, प्रसाद है। आप भी लीजिए प्रोफेसर साहब, आप तो जानते हैं साथ को ना नहीं कहते। पीछे हम अपने हाथ से खिलाएंगे, ये लो। ये हुई ना बात, जीतते रहो। तो बेटा हाँ, जीते रहो। मैं
मिस्टर जी हम क्या कह रहे थे? अरे प्रोफेसर साहब, क्या घड़ी घड़ी राय का पहाड़ बनाने में लगे रहते हैं आप? अरे बच्चों की हंसी मजाक को कोई पुलिस थाने तक ले जाने की बात होती है? हंसी मजाक, ये देखिए इसके चोट देखिए, ये आपके बच्चों ने मारा से। अरे प्रोफेसर साहब, बच्चे अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो क्या आप और हम करेंगे? देखिए आप बात को ऐसे ना घुमाइए, मैं नहीं मानूंगा ऐसे। ए प्रोफेसर साहब, आप हमसे लड़ाई के इरादा से तो नहीं आए ना? याद रखिएगा, हमसे अगर पंगा लिया ना तो कल से क्लास में नहीं कोर्ट में हाजिरी लगेगी, और वहां प्रोफेसर ही नहीं पैसा चलता है, और हमारे जितना पैसा खर्च करने का समर्थ नहीं है आपके पास। और पापा, ये प्रोफेसर है ना, हमेशा अपने बेटे का फेवर लेके हम दोनों को बहुत परेशान करता है। काहे परेशान होते हो? हैं? है ना, हमारे पास हर चीज का इलाज है। जी पापा। वो इंस्पेक्टर साहब। जी। ऐसे काहे रूखे सूखे खड़े हो? हैं? हेलो मेरे सर। जी आइए। अरे अरे आते हैं ना। इंस्पेक्टर साहब, आपको ये प्रोफेसर पैसे से ज्यादा प्यारा तो नहीं लगता ना? तो फिर इस ज्ञान की मूर्ति को यहां से बाहर निकाल दीजिए। आपके लिए एक्स्ट्रा प्रसाद भिजवा देंगे हम। ना प्रोफेसर साहब, हमको लगता है कि इस मामले को हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया है। लड़के हैं, आज लड़ेंगे कल दोस्त हो जाएंगे, तो हम क्या करें कि छोड़िए, बड़े लोग हैं काहे मुंह लगते, छोड़िए चलते हैं, चलिए आइए। देखिए आप हमें पैसों के दम पे ऐसे दबा नहीं सकते, हम आगे तक जाएंगे। अरे महाराज पहले पीछे आइए, बड़े लोग हैं, इनके चक्कर मत पड़िए, उल्टा आपके नाम से FIR हो जाएगा। काहे पंगा ले रहे हैं, मतलब प्रोफेसर है पढ़ाएंगे, कोर्ट कैसे चक्कर लगाएंगे? चलिए 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 ना, हम देख लेंगे, चलिए। किसी को भेज दीजिएगा, बच्चों के लिए प्रसाद भिजवा देंगे हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, हम आखिरी बार तुम्हें नोट्स मेल कर देंगे, बट ये आखिरी बार होगा। आज से अपने नोट्स खुद बनाना तुम। आई लव यू फॉर दिस, आई लव यू टू, पर आखिरी बार। अच्छा अच्छा तुम जाओ, मैं यहीं पर बुलबुल का इंतजार करूं। ठीक है, बाय बाय। हेलो मिस्टर, कब से देख रहे हैं तुम वो लड़की को, घूरे जा रहे हो? हाँ क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ अपने आप सुधर जाओगे कि हम सुधारे? देखिए आपसे शायद कोई मिस्टेक हुआ है, हम क्यों किसी लड़की को ताड़ेंगे? वो क्या है कि हम ये कॉलेज का कैंपस देख रहे थे, उसमें तो कोई मनाही नहीं है ना। अच्छा क्या हम तुम्हें एकदम चोमू दिखाई दे रहे हैं? हाँ ये चश्मे के अंदर से जो नजारा देख रहे थे ना, सब मालूम है हमें, एक पंच मार के दोनों आंखें सुजा देंगे, सूरदास बन के घूमोगे। ए पूरे धमकी जाके किसी और को देना जी। अरे भाषणबाजी खत्म हो गई हो ना, तो निकलो यहाँ से। भाषण दे रहे? भाषण? अभी राशन दे। बुलबुल छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? दी आपको ताड़ रहा था। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना मतलब के लोगों से पिटती रहती हो, चलो यहाँ से। सॉरी सॉरी। दी दी हम सच कह रहे हैं, वो ताड़ रहा था आपको।
बुलबुल कोई हमें क्यों ताड़ेगा, चुपचाप घर चलो। आप ऐसे लड़कों को जानती नहीं हो, हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे पास उनका इलाज भी है। तू मेरे देती ना ऐसी हालत करती उसकी कि लड़की तो दूर अपनी शक्ल आईने में भी नहीं देख पाता। तुम हर वक्त लड़ाई झगड़े की बात क्यों करती रहती हो, और अगर कोई हमें ताड़ेगा तो तुमसे पहले हमें पता चलेगा ना, समझी? चलो अब। बुलबुल तुम सही कह रही थी, हमने भी नोटिस किया कि शायद वो यही लड़का है जो सुबह से हमारा पीछा कर रहा था। पहले हमें लगा ये हमारी गलत फहमी है, तुम्हें तो पता है ना हमें बिना मतलब का तमाशा भी तो पसंद नहीं है। दी आप क्या करती हैं? जब हमने कहा आपने उसके सामने हमें पागल साबित कर दिया, अब आप चाबी दीजिए। नहीं बुलबुल, बुलबुल चाबी दीजिए ना, बैठिए पीछे। क्या करने वाली हैं? अरे जल्दी बस संभल के बैठिए आप। बुलबुल थोड़ा तो धीरे चलाना, आज नानी याद दिलाएंगे। आपको ताड़ रहा था ना, अब देखिए ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखिएगा। बुलबुल छोड़ ना, घर चलते हैं, क्या फालतू के काम में लगी है तू? नहीं दीदी, आज तो उससे पूछ के रहेंगे क्या कर रहा था हमारे कॉलेज में। रंजू जी, रंजू जी, वो कहना कि हम अपने गुल्लू की तरफ से आपसे माफी चाहते हैं। कहना कि हम अपनी घरवाली के सामने कुछ बोल नहीं पाते, बाकी हम जानते हैं कि हमारा गुल्लू जो है वो बिगड़ता जा रहा है। देखिए रमेश भैया, हम समझते हैं कि गलती सभी से होती है, लेकिन अब गुल्लू बड़ा हो गया, आपको उस पर नजर रखनी चाहिए। अरे रंजू जी, ये झोला कैसे फट गया? अब रुकिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं भैया आप रहने दीजिए, हम समेट लेंगे। रंजू जी आप एक काम कीजिए, आप इनको समेट के रखिए, हम बड़ा बाजार से नया झोला लेकर आते हैं। भैया आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अरे बस हम यूं गए और यूं आए, अब रुकिए। बाप रे बाप, एक सबका देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है खुला सड़क पे? अरे बेबला किस तेज चिल्ला रही हो, देख नहीं रही हो तुम हम रंजू जी की मदद कर रहे हैं? वो तो हम देख ही रहे हैं कि मदद करने के बहाने का विचार विमर्श हो रहा है तुम दोनों के बीच में। टमाटर और आलू उठाने के बहाने पेच लड़ाया जा रहा है। अरे सुन रहे हो मोहल्ले वाले, अरे का खिचड़ी पका रही है मैडम जी हमारे मर्द के साथ? तो हम देख लिए, नहीं तो रास्ता का जो मुलाकात था ना, ये हमारे घर तक पहुंच जाता।